नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। जनपद संभल बहजोई थाने में सपा नेता व उनके पुत्र हत्याकांड में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मृतक सपा नेता छोटेलाल दिवाकर का छोटा बेटा सचिन बना मुकदमे में वादी। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 4 टीमें बनाई गई। जनपद के सभी बॉर्डर हुए सील। जनपद से भागने की फिराक में हो सकते हैं आरोपी दबंग। दबंगों पर NSA स्तर की कार्रवाई के मूड में प्रशासन IG रमित शर्मा ने जनपद में डाला डेरा। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी जारी। बहजोई थाना क्षेत्र के फतेहपुर समसोई का मामला। SP संभल यमुना प्रसाद के नेतृत्व में सपा नेता व उसके पुत्र के हत्यारोपी मात्र 6 घंटे में ही अपनी सही जगह पहुंचे। NSA स्तर की कार्रवाई की तैयारी में संभल पुलिस। संभल से राहुल कुमार की रिपोर्ट। आज जनपद संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के समसोई गांव में मनरेगा का काम करते समय एक दुखद घटना हुई, जिसमें कुछ लोग आए और उन्होंने ग्राम प्रधान पति और उनके बच्चे को मौके पर विवाद हुआ और वहां पर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। और इसमें एक वीडियो वायरल भी हुआ था और उसके बाद FIR दर्ज की गई। पुलिस की कई टीमें बनाई गई और लगातार इसमें दबिश जारी थी। जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित गई। दोनों व्यक्ति जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जितेंद्र और सर्वेंद्र, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से आला कत्ल भी बरामद हुआ है और अब इनके साथ विधिक कार्रवाई की जा रही है। कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी इनको। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी।